सुफियान भाई हैं, ये इनकी प्रेमिसेस है, यहाँ से हाईएस्ट अरेंज हुई है और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बख्तियार भाई के साथ बैठ के कुछ दरख लगाने जा रहे हैं। नहीं, आप इंजॉय करेंगे, हैव अ गुड फन इंशाल्लाह, और आप देखेंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बेहतरीन। चलें चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और ये आपको ये बताएंगे ये बख्तियार भाई और दादा करेंगे, सीनियर है हमारे और बिल्कुल, तो हम क्या करने जा रहे हैं इनसे पता चलेगा, छोटे छोटे हैं ना तो छोटे छोटे हाथों से कर लेंगे सारा काम। आगे की तरफ जा रहे हैं, हमने कुछ बोट राइड करनी है, मैंग्रोव प्लांटेशन है, फिर कुछ विजिट्स हैं, सब इन प्रोसेस है, आप देखें। इंजॉय करें, अभी हम जा रहे हैं बोट पे बैठने के लिए, बोट पे बैठेंगे फिर देखें क्या होता है। फैसल को मिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये बताएं। फैसल बहुत मिस कर रहा हूँ, फैसल तुम्हें काशिम होते मेरे पास, और काशिम मुनव्वर देख लो ये बंदा है जो साथ है, ये गवाही देगा, बहुत याद कर रहे हैं आप लोगों को यार। Yes, good. बख्तियार भाई नहीं जाएंगे। भाई आप बोट पे जा रहे हैं बैठने के लिए, थोड़ा शोर करें। ये जरताब भाई हैं, जरताब भाई इधर देखें, ये जरताब भाई हैं, पावर बोट इन हाई टाइड, इट्स अमेजिंग, आप लोगों को एंजॉय करना चाहिए और आना चाहिए। अब हम लोग जा रहे हैं मैंग्रोव्स के अंदर, अराउंड 95% के करीब जो है सिंध कोस्टल जो है मैंग्रोव से भरा हुआ है। सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ दो एरियाज हैं जहाँ पे मैंग्रोव्स होते हैं, ऐसा ही है, बलूचिस्तान और सिंध। बलूचिस्तान और सिंध, ये दो भाई हैं आपको, ये भाई आपको बताएंगे कि मैंग्रोव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। बिल्कुल, ये पाकिस्तान में दो जगह ही पे हैं, आपको जैसे कि पता है जो कोस्टल एरिया है वो बलूचिस्तान और सिंध के हिस्से में है,
सिंध में ये तीन जगह पे मैंग्रूव एग्जिस्ट करते हैं, बदीन, अट्टा और कराची। तो इसमें चार स्पीशीज़ पाई जाती हैं मैंग्रूव की, और डोमिनेंट जो स्पीशी है जिसमें ज़्यादा जो स्पीशी है वो है एविसिना मैरिना, 90% इसकी एग्जिस्टेंस है। इन चारों स्पीशीज़ में फ़र्क कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसकी फिजिकल थोड़ी अपीयरेंस और जो रूट्स हैं उनमें थोड़ी सी स्ट्रक्चरिंग में फ़र्क है, बाकी ये चारों स्पीशीज़ वैसे सेम है। और ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं सेलाइन इंट्रूजन, जो सी की इंट्रूजन हो वगैरह होती है, अगर ये मैंग्रूव ना हो तो सी इंट्रूजन आगे आ जाता है, तो इस वजह से इस प्लांट की जो यूनिक फीचर है। और साल्ट फिल्ट्रेशन इसमें सिस्टम होता है, जो सेलाइन पानी वगैरह है वो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं इनके लीव्स मैंग्रूव्स के, तो ये बहुत अच्छी मतलब इनकी फीचर्स हैं मैंग्रूव्स के। और ये हमें साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स और इनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं, और ये नेचुरल वॉल है। चले आए बाबा, आपको मैंग्रूव्स के अंदर लेके जाते हैं और मैंग्रूव्स के अंदर की सिचुएशन दिखाते हैं। मैंग्रूव्स के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको देखने को अगर मिलता है तो? मैंग्रूव्स में ये क्रोकोडाइल्स हैं, बर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे, और व्हाइट कैट दो देखने को मिलेगी, तो ये बस इनका है, बाकी तो यहाँ पे दूसरी एनिमल्स की हुई ऐसी नहीं है, ये तीनों ही मिलेंगे। आदिल भाई, आपको कैसे लगा, मतलब एक डिफरेंस फील हुआ कि मैंग्रूव का दरख्त जो है और जो आम दरख्त हमने देखे हैं, नीम का हो गया या मल्टास वगैरह, तो उसमें क्या ये यूनिक फीचर्स आपको नजर आए यहाँ? यूनिक फीचर्स जैसे मतलब एक फिजिकल अपीयरेंस, और जैसे ये आप देख रहे हैं स्वैम्पी एरियाज में ये एग्जिस्ट करते हैं, बाकी कोई स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं। एनवायरमेंट बड़ा काम है, बड़ा अच्छा है, इन दरख्तों के नीचे आके ठंडक महसूस होती है और फ्रेशनेस कुछ महसूस होती है कि दरख्त, और इस एरिया के अंदर कोस्टल एरिया डेल्टा के ऊपर ये मैंग्रूव्स की प्लांटेशन है, तो ये बहुत एक अच्छी एक्टिविटी है और हम सबको मैंग्रूव्स की प्लांटेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और इसके जो फायदे मैंने बताए थे, बेनिफिट्स क्या हैं, जरा आपको अगर जहन में हो। इसके बेनिफिट्स ये है कि ये बेसिकली जो शोर्स है उसको लैंड की तरफ आने से रोकती है, बिल्कुल सी इंट्रूजन वगैरह आगे नहीं हो, फ्रेश वाटर या किसी और को ये अफेक्ट नहीं करे, साइक्लोन, स्टॉर्म्स और हाई टाइड से भी ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये दे आर नोन एज द नेचुरल बैरियर है ये। बिल्कुल, तो अब हम चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन वापस WWF के, कोई हाइट नहीं है, ग्रीन ऑफिस की तरफ देखते हैं कि इसकी जो है ना रूट्स फैली हुई है, आप ये देख सकते हैं, ये रूट्स फैली हुई है, कुछ नहीं है, ये बेस है सारा, समंदर पानी के अंदर है ये सब चीजें, और मैं इस वक्त पानी के अंदर खड़ा और यही तरह। अब हम जा रहे हैं वापस ग्रीन ऑफिस की तरफ और फर्दर हम वहाँ पे एक्टिविटी देखते हैं या डिटेल्स देखते हैं, फिर हमारा ट्रिप ख़त्म होगा, फिर हम जाएंगे अपने ऑफिस
अपनी डेस्टिनेशन की तरफ वापस। सारे लोग चले गए, मुजाहिद भाई के साथ सिर्फ मैं ही बचा हूँ, एक मैं और एक मुजाहिद भाई बस खाली, जिनको शौक है ऐसी एक्टिविटीज़ में घूमने का। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप इट अप, कीप प्लांटेशन, और थैंक यू वेरी मच फॉर WWF। खालिद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस पूरी एक्टिविटी में हमें ब्रीफ किया, हमारे साथ रहे और एक अच्छी एक्टिविटी हुई है। थैंक यू वेरी मच, कीप इट अप, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइब। Oh, 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 oh